यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट। सबसे पहले व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, विश्व स्तरीय की हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल होता है और ये क्या है, नेटवर्क के माध्यम से एक विश्व स्तरीय समूह होता है। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता, अपितु इसमें बहुत से सर्वर जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। इसके बाद इंटरनेट का इन्वेंट कब हुआ, इंटरनेट का कैसे क्या स्टार्ट हुआ, इंटरनेट का आविष्कार कर पाना क्या है, सिंगल किसी भी व्यक्ति का से नहीं होता, इसमें क्या है, काफी सारे साइंटिस्ट ने बनकर मिलकर क्या है एक इसकी खोज की है, इंजीनियर्स ने मिलकर इसकी खोज की है, ठीक है। इसे बनाने में बहुत से साइंटिस्ट और इंजीनियर की जरूरत लगी है, लगी थी सन 1957 में। 1957 में कोल्ड वार के समय अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक टेक्नोलॉजी को बनाना था। किसने की, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना की अमेरिका ने, ठीक है। उनका एम क्या था, एक टेक्नोलॉजी को बनाना जिससे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जा सके। इसके बाद सन 1969 में इस एजेंसी ने एरपानेट की स्थापना की, ARPANET, एरपानेट की स्थापना की, जिससे कि किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता था। वो किससे, एक क्लाइंट के माध्यम से। क्लाइंट के माध्यम से क्या था, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता था। सन 1980 के आते आते उसका नाम इंटरनेट हो गया। देखो पहले 1969 में क्या, सबसे पहले 1957 में क्या था, अमेरिका ने इसकी खोज स्टार्ट की, उसके बाद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता था 1957 में। 1969 में क्या हुआ, एरपानेट की स्थापना की गई, और 1980 तक आते आते देखो एरपानेट भी हो गया, तो क्या है एक सही तरीके से क्या है चलना स्टार्ट हो गया, तो इसको इंटरनेट का नाम दे दिया गया, इंटरनेट हो गया। विंटकर्फ और रॉबर्ट खान ने TCP/IP प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया सन 1970 और 1972 में वही रे टेमिलसन ने सबसे पहले ईमेल नेटवर्क को इंट्रोडक्ट किया। किसमें किया, 1970 और 1972 में रे टेमिलसन ने क्या किया, सबसे पहले ईमेल नेटवर्क जो था उसको इंट्रोडक्ट किया। इंटरनेट कब शुरू हुआ, इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 से स्टार्ट हुई थी, जब एरपानेट ने TCP/IP को एडॉप्ट किया। किसको एडॉप्ट किया, TCP/IP को, 1 जनवरी 1983 में। उसके बाद रिसर्चर ने स्टार्ट किया, शुरू किया उन्हें असेंबली करने का काम। क्या किया, असेंबली करने का काम स्टार्ट कर दिया गया 1 जनवरी 1983 को स्टार्ट होने के बाद। उस समय उसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता था, जो इंटरनेट है जो एक नेटवर्क के माध्यम से बना था उसको क्या कहा जाने लगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बाद में आज के मॉडर्न समय में इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा, कि पहले तो देखो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोला जाता था इसको, अब किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेट के नाम से। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था, भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिकली अवेलेबल कराया गया कब, 14 अगस्त 1995 में। कब करवाया गया, 14 अगस्त 1995 में इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था स्टेट ऑन विदेश संचार निगम निगम लिमिटेड के माध्यम से। किसके माध्यम से, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद 1996 में जो हमारी रेडिफ मेल आईडी है उसकी शुरुआत हुई, कहां पे, भारत में। भरता पहला साइबर कैफ 1996 में मुंबई में खोला गया। 1997 में क्या है, नौकरी.com
जैसे साइट भारत में बनी, आज हर समय हर कोई इसे जानता है। जो नौकरी.com की साइट है वो कब बनी, 1997 में। 1999 में हिंदी पोर्टल वेब दुनिया की शुरुआत हुई। 2000 के दशक तक टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारत में लागू हुआ। याहू इंडिया और एमएसएन इंडिया की शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी। 2001 ऑनलाइन ट्रेन वेबसाइट बनी, कौन सी, irctc.in। irctc.in की शुरुआत कब हुई थी, 2001 में। इसके बाद टाइप ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर कुछ काम कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सॉरी ओपेरा, कॉन्करर, लिनक्स, ये क्या होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं। इसके बाद यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इंटरनेट ईमेल और चैट की सुविधा देता है जो कर्मचारियों के बीच संचार को आसान बनाता है। अब देखो संचार को आसान बनाता है कैसे, पहले तो क्या था, एक दूसरे के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब इंटरनेट की ऐसी फैसिलिटी हमें मिली है जिससे क्या है, संचार को एक आसान बनाया गया है, आसान तरीके से हो जाता है। ग्राहक तक पहुंचना इंटरनेट की मदद से और भी आसान हो गया है। इंटरनेट हमें विभिन्न प्रसारण प्लेटफॉर्म के माध्यम से विचार साझा करने में सक्षम बनाता है। इसे एक समय में बड़ी संख्या में लोगों के साथ अपने विचार को साझा करना आसान हो गया है। कैसे कि एक से अधिक लोगों के पास हमें कोई भी, जैसे मीटिंग वगैरह है तो वो क्या है, एक साथ काफी बंदे उसमें जुड़े हुए हैं, तो हम क्या है, वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही कर सकते हैं, जिससे क्या है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता और एक जगह से क्या है, क्या होता है, जो हमारी मीटिंग वगैरह है वो हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, बेनिफिट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट से क्या क्या लाभ हमें। कम्युनिकेशन, बातचीत करने का इंटरनेट के सबसे महत्वपूर्ण फायदा, सबसे ज्यादा जरूरी है, फास्टर कम्युनिकेशन। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो भी हम नेट से ही ले सकते हैं। लर्निंग के लिए, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, सोशल नेटवर्क, कोई भी सर्चिंग हमें करना हो, कोई भी रिजल्ट वगैरह हमें देखना हो, किसी भी ऑप्शन के बारे में हमें सर्च करना हो, तो वो सब हम किससे कर सकते हैं, इंटरनेट से। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट में कौन कौन से फुल फॉर्म यूज हुई हैं। सबसे पहले इंटरनेट, इंटरनेट के फुल फॉर्म क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसके बाद www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है फिर लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है फिर आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आईई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आईसीपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कैप्चर प्रोटोकॉल। आईएमएपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आईसीएमपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईआईएस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। आईपीपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। आईपीएसईसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। आईपीटीवी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट स्टॉर्म सेंटर। आईटी
आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है फिर टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। डब्ल्यूएपी, डब्ल्यूएपी की फुल फॉर्म होती है वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। WWAN, WWAN की फुल फॉर्म होती है वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है WWID, वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफायर। WLAN, WLAN की फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WMA, WMA की फुल फॉर्म होती है विंडोज मीडिया ऑडियो। नेक्स्ट है फिर मैन, MAN, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रो एरिया नेटवर्क। WAN, WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है HTTP, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WMV, WMV की फुल फॉर्म होती है विंडोज मीडिया वीडियो। WOM, WOM की फुल फॉर्म होती है वॉक ऑन मॉडेम। WOL, WOL की फुल फॉर्म होती है वॉक ऑन लैन। WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। .com, .com की फुल फॉर्म होती है डॉट कॉमर्शियल। .org, .org की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन। .edu, .edu की फुल फॉर्म होती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। URL, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। IRC, IRC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। FTP, FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद का हमारा टॉपिक है ईमेल। सबसे पहले ईमेल आईडी होती क्या है, किस लिए ईमेल आईडी बनाई जाती है और ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक बहुत ही पॉपुलर रीजन जिसके कारण लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। ये ईमेल आईडी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है, एक क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ईमेल से हम क्या है, मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसको रिसीव वगैरह करने के लिए क्या होता है, ईमेल प्रोग्राम और एक अकाउंट होना जरूरी है। एक इंटरनेट मेल सर्वर में एक डोमेन नेम के साथ भेज सकते हैं। जो हमें मेल भेजनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ईमेल एड्रेस होता है जिससे क्या है, हम मेल भेज सकते हैं। ईमेल यूज करने के लिए एक यूजर के पास एक ईमेल एड्रेस होना बहुत ही जरूरी होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपना यूजर नेम ईमेल आईडी में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप जीमेल में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हम क्या है, कोई भी यूजर नेम @gmail.com ऐसे क्या है ईमेल आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम थोड़ा यूनिक चुनना होता है। यूनिक कैसे, कि एक नाम से दो आईडी नहीं बन सकती। पहले अगर किसी भी नाम से आईडी बनी है तो उस नाम से हम दोबारा आईडी नहीं बना सकते। उसके साथ हमें क्या करना होता है, कोई भी कोड वगैरह लगाना होता है, यूनिक कोड लगाना होता है, जिससे क्या है, जो हम ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं वो हमारी क्रिएट हो जाए। अब देखो, क्रिएट ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हम कैसे बनाएंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताए थे टाइप ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, गूगल क्रोम बताया था, मोजिला बताया था, ओपेरा बताया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सॉरी लिनक्स, ये मैंने आपको इंटरनेट वेब ब्राउजर मैंने आपको बताए थे। अब इनमें से हम क्या है, किसी को भी ओपन कर सकते हैं,
या हमने क्या किया, गूगल क्रोम को ओपन कर दिया। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो एड्रेस बार मिलेगी आपको। जो ये एड्रेस बार है इसमें हमने डाल दिया कि हमें क्या करना है, ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया gmail.com। डालने के बाद हमने प्रेस किया एंटर। देखो ऐसे जैसे ही हमने एंटर किया तो जो ईमेल आईडी इसके अंदर ओपन होगी वही ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन हमें तो क्या करना है, न्यू ईमेल आईडी बनानी है। तो यहाँ पे देखो जो ईमेल आईडी हमने ओपन कर रखी है उसका यूजर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहीं पे ऑप्शन मिलेगा फिर हमें डाउन में एड अनदर अकाउंट। एड अनदर अकाउंट पर हमने क्लिक किया, यूज अनदर अकाउंट। अब देखो यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट से हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट में देखो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। तो हमें क्या बनानी है, हमें तो अपने पर्सनल बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर माई सेल्फ का यूज करेंगे। देखो जैसे ही हमने फॉर माई सेल्फ का यूज किया है तो यहाँ पे क्रिएट यूअर गूगल अकाउंट टू कंटिन्यू टू जीमेल, यहाँ पे क्या है, गूगल अकाउंट आ जाएगा। अब गूगल अकाउंट हमें किस नाम से बनाना है वो हम यहाँ पे नेम डालेंगे। नेम डाल दिया हमने यहाँ पे भिवानी, और लास्ट नेम डाल दिया हमने हरियाणा। अब आईडी किस नाम से क्रिएट करनी है यहाँ पे हम डालेंगे। अब देखो जैसे ही हमने एंटर किया यूजर नेम में हमारा कर्सर आया तो यहाँ पे आगे देखो नीचे आ जाएंगे अवेलेबल। बी हरियाणा 78 से बना सकते हो, भिवानी एच से बना सकते हो, भिवानी हरियाणा 529 से भी हम क्या है आईडी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया भिवानी हरियाणा 529 से हमें क्या करना है, आईडी बनानी है। अब ये देखो यहाँ पे जैसे ही हमने कर्सर रखा तो यहाँ पे आ जाएगा फिर पासवर्ड। यहाँ पे हमें क्या करना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड हमने डाल दिया, उसके बाद वही पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए डाल दिया हमने। इसके बाद हमने किया फिर नेक्स्ट। देखो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमसे मोबाइल नंबर मांगेगा कि कौन सा नंबर आपको डालना है। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, नंबर डाला हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट की है। जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, देखो जैसे ही हमने नेक्स्ट किया प्रोसेस स्टार्ट हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी या फोन नंबर, नेक्स्ट। देखो जैसे ही हमने नेक्स्ट किया दोनों ऑप्शन मांगेगा, दोनों पर हमें क्या करना है, टिक लगाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्री। पासवर्ड, नेक्स्ट। यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ईमेल आईडी बनाई है उसका पासवर्ड हमें फॉरगेट करना है तो देखो यहीं पे ऑप्शन दिखाएगा हमें फॉरगेट पासवर्ड। अगर कोई भी पहले से ईमेल आईडी बना रखी है तो उसके पासवर्ड को हम फॉरगेट भी कर सकते हैं। वापिस बैक में आओ। अब देखो जैसे ही हम एस्केप करके ये बैक से हम क्या था, बैक में आए थे,
बैंक में आने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर चेंज किया, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी, उसके बाद हमने जेंडर डाल दिया, फिर हमने किया नेक्स्ट। देखो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको बैक करना है तो बैक करिए, अगर आपको मोबाइल पर ओटीपी भेजना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे, अगर हमें ओटीपी नहीं भेजना तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नॉट नाउ करेंगे। देखो जैसे ही हम नॉट नाउ करेंगे, नॉट नाउ करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा आई एग्री, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करते के साथ क्या है, जो हमारा जीमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी। इधर यहाँ पे देखो हमारी प्रोसेसिंग चलती रहेगी, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आईडी हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारी आईडी क्रिएट हो गई है। अब ये देखो जीमेल आईडी हमने किस नाम से बनाई है, भिवानी नाम से हमारी आईडी थी, और यहाँ पे हमने ये दूसरी आईडी किस नाम से कर दी, अब संजू के नाम से। ये था हमारा ईमेल आईडी अकाउंट, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।